पहले से आती हैं, अब आप इनको राइट करना शुरू करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस, माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो बेटा आज हम अमाइंस का फर्स्ट लेक्चर शुरू करने वाले हैं। वैसे हमने बताया कि इसको हमने पहले कर लिया था, लेकिन क्योंकि कुछ नए बच्चे हैं क्रैश कोर्स वाले, तो इसके लिए हम इसे दोबारा से करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए जरा प्रेपरेशन, सबसे पहले हम प्रेपरेशन ऑफ, हाँ बेटा मैं कह रही थी कि जब मतलब अगर हमारी एक बार रिएक्शन हो चुकी है तो जब आप दोबारा कराओ तो उनसे रिलेटेड कुछ अलग एग्जांपल्स देके हमसे मतलब पूछ लेना ऐसे रिवीजन ठीक है। वगैरह। हाँ जरूर जरूर ठीक है। वो मैं बीच बीच में आपसे कुछ अलग क्वेश्चंस भी पूछूंगा, वो मेरे माइंड में है कि देखो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन क्या होता है। नाइट्रोजन के साथ अगर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री अमाइन होगा, नाइट्रोजन के साथ अगर दो कार्बन जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन की टोटल वैलेंसी 3 होती है, तो बाकी के हाइड्रोजन है इन डिफॉल्ट में मान लेना, ठीक है। दो कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री हो गया। नाइट्रोजन के साथ में अगर तीनों वैलेंसियां कार्बन के साथ जुड़ी है, कार्बन की चेन, ठीक है, तो एक कार्बन की भी हो सकती है, नो वरी, ठीक है। तो ये होगा 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। और अगर क्या 4 डिग्री अमाइन हो सकता है? देखो भाई 4 डिग्री अमाइन जो बनेगा वो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा कार्बन को, अगर कोई कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, है ना, तो जिससे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो 4 डिग्री जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, इसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव आयन होना चाहिए, तो क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है, 4 डिग्री तक जाता है। यहाँ 1, 2, 3 डिग्री दिखाया, हम 4 भी करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा सबको, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टनरी ऐसा बोलते हैं। प्राइमरी 1 डिग्री होता है, या इन्होंने एग्जांपल दिखा रखा है कि ये देखो, वैसे तो कार्बन इन्होंने 3 दिखाए कि इस कार्बन के चारों तरफ 3 है ना, तो ये कार्बन बीच वाला कार्बन है 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि कार्बन की डिग्री या प्राइमरी कैसे देखते हैं, 1 डिग्री कौन सा होगा कार्बन जिसके कार्बन के पीछे एक ही कार्बन की चेन है, 2 डिग्री दो कार्बन, 3 डिग्री 3 कार्बन की चेन। देखो 3 कार्बन की चेन इस कार्बन की लगी है, तो ये कार्बन तो 3 डिग्री है, बट एमाइन के तो एक ही कार्बन जुड़ा है ना, एमाइन तो ये 1 डिग्री है, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्क करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो भाई सबसे पहले मेथड ऑफ प्रेपरेशन है, अमाइन को बनाया कैसे जाता है, रिड्यूस कैसे करते हैं, है ना। तो रिडक्शन ये बहुत आसान लेसन है, ठीक है, 2-3 लेक्चर में मुश्किल से पूरा हो जाता है। तो देखिए नाइट्रो कंपाउंड जो है वो रिड्यूस कैसे होते हैं। रिड्यूस का मतलब ऑक्सीजन हटानी है, हाइड्रोजन जोड़ना, बेंजीन है भाई, बेंजीन के ऊपर नाइट्रो लगा हुआ है तो क्या करें, हाइड्रोजन पैलाडियम दे दो एथेनॉल के साथ में, टिन HCl के साथ या आयरन HCl के साथ, मतलब मेटल विद HCl और पैलाडियम और हाइड्रोजन, इन सब से क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन उड़ा देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देता है, सीधी सीधी रिएक्शन है, हाइड्रोजन जोड़ना है, दैट इज रिडक्शन। अब एक और यहाँ पर चीज थी कि रेनी निकल क्या होता है, रेनी निकल से भी आप ऐसा कर सकते हैं, निकल भी डाल सकते हैं, यहाँ पर पैलाडियम की जगह निकल डाल सकते हैं, प्लेटिनम डाल सकते हैं, कुछ भी, निकल प्लेटिनम पैलाडियम तीनों मेटल्स, निकल अगर रेनी निकल है मतलब एल्यूमिनियम और निकल का ग्रेन्युलर मिक्सचर है, उसको बोलते हैं रेनी निकल। सीधा निकल डालेंगे तो क्या होगा, हीट करना पड़ेगा 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर रेनी निकल डालते हैं तो हीट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया भाई, सीधा सीधा। तो रेनी निकल को याद रखेगा, निकल एल्यूमिनियम का पार्ट है, सीधी हाइड्रोजन जोड़नी है, कुछ नहीं करना। नीचे देखिए अब जरा, नाइट्राइल्स का रिडक्शन, साइनाइड का रिडक्शन, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन, साइनाइड का रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, या फिर हाइड्रोजन और निकिल के साथ में ये भी कर सकते हैं, जैसे वहां ऊपर पैलाडियम लिखा हुआ था, नीचे निकिल लिख दिया, ये सारे एग्जांपल देते हैं, है ना, प्लेटिनम भी लिखा सकते हैं। तो देखिए साइनाइड में क्या होगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा, सिंगल बॉन्ड, बस सारे सिंगल बॉन्ड कर दो, ट्रिपल बॉन्ड होता है साइनाइड, सब सिंगल बॉन्ड कर दो। यहाँ एनसी में क्या होता है, नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन कार्बन जो जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड सी जुड़ा हुआ है, और इस तरफ नाइट्रोजन के साथ कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, यानी इस कार्बन के पास, आप कहेंगे ये भी कार्बन की चेन है, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ माना जाएगा, ये कार्बन की चेन का पार्ट नहीं है, ये याद रख लेना। तो इसी को आइसोसाइनाइड ग्रुप बोलते हैं। तो आइसोसाइनाइड में क्या होगा, भी हाइड्रोजन और निकल, आप सीधा सीधा हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में इनके साथ भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो आइसोसाइनाइड को जब आप रिड्यूस करते हैं तो क्या बनता है, 2 डिग्री, साइनाइड को रिड्यूस करते हैं तो 1 डिग्री। यस क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। हाँ बेटा, सर इसमें ये एरो क्या दिखाया गया है, क्या बेटा एरो, एन से सी एरो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, देखिए चलो इसका मैं थोड़ा डायग्रामेटिक व्यू आपको देता हूँ कि ये है क्या चीज, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इनकी बॉन्डिंग कैसे है, नाइट्रोजन क्या करता है भाई, 3 ही बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना लिए डबल बॉन्ड के साथ, ये है कार्बीन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं, ठीक है, और इधर
नाइट्रोजन के पास एक और बॉन्ड था, वो इसने कार्बन की चेन के साथ बना लिया, तो नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड हो गए पूरे, कार्बन के तो सिर्फ दो ही हुए हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ने इधर और इधर से तीन पूरे कर लिए। अब आगे क्या होगा, कार्बीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, जैसे फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, कार्बीन भी। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इधर डोनेट कर देगा, जिससे क्या होने वाला है, आर एन ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और दूसरा यहाँ पीछे जो है वो शेयर कर लिया, एक डोनेट किया कार्बन को, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये होता है आइसोसाइनाइड। क्लियर है बेटा? मतलब सर इनके चार्जेस शो तो नहीं करे ना फिर? हाँ, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है ना, देखो यही होता है, दिखाने में नहीं आता है लेकिन आपको पता होना चाहिए इंटरनली, इंटरनली ये कहानी है, दिखाने में तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो फिर क्यों दिखाएंगे वो लोग, फिर वो शो ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब जरा, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है यहाँ पर रिडक्शन ऑफ एमाइड, तो वहां पर हमने रिडक्शन किया दो जगह पर, NO2 को रिड्यूस कर दिया, फिर उसके बाद में आइसोसाइनाइड और साइनाइड को रिड्यूस कर दिया, अब एमाइड, एसिड एमाइड, इसके साथ भी वही करना है, हमें एमाइड को तोड़ देना, सी डबल बॉन्ड ओ एनएच टू है, तो यहाँ एनएच टू को सी डबल बॉन्ड ओ को हाइड्रोजन दे दीजिए, बस वही लिथियम एलिमेंट हाइड्राइड और वाटर के साथ, किसी के साथ भी आप कर सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन मिल गई, इसे बात खत्म, बस हो गया, क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा, है ना, सिंपल सिंपल रिएक्शन है, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब ये थोड़ी सी ना मुश्किल वाली रिएक्शन होती है, मतलब ये थोड़ा सा इसमें मैकेनिज्म करेंगे हम अमोनोलाइसिस वाले में, तो चलो यहाँ मैकेनिज्म करते हैं, विद मैकेनिज्म आरएक्स एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करनी है, तो देखो भाई सभी जो बच्चे पहले कर चुके हम उसका एक एग्जाम्पल लेके अब करने वाले हैं, ठीक है, तो जरा देखिए CH3 CH2 और यहाँ पर आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है, प्लस में आपने डाला अमोनिया NH3, क्या होता है इसके अंदर, अब क्या होगा, CH3 ब्रोमीन बन जाएगा, CH2 NH2, ठीक है, NH2 बनेगा, ठीक है, NH2 एक H चला गया, एक यहां से Cl चला गया, तो क्या बना, मतलब प्लस में HCl बच गया, HCl बनेगा, ठीक है, प्लस में HCl बच गया, अब फिर से मैं एल्काइल हैलाइड डालता हूं, यही ये मेरा रिएक्टेंट बार बार यही रहेगा, अमोनिया बदलता जाएगा, ठीक है, अमोनिया की जगह मैं कुछ और डालूंगा, वो क्या डालूंगा, जो मेरा प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो ये देखिए क्या करेगा, प्लस में ये जो मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्लस में कर दीजिए, ये 1 डिग्री बन गया ना, अब प्रोडक्ट को प्लस में करेंगे CH2 NH2, ठीक है, प्रोडक्ट आ गया प्लस में, अब होगा क्या, अब फिर से ये क्लोरीन यहां से हट जाएगा, एक एच इसका चला जाएगा, तो CH3 CH2 और यहां पर नाइट्रोजन NH रह जाएगा, और फिर ये जो ये था ये ऐसा कैसा, इसका एक एच चला गया और पीछे वाला ये इसके साथ फिर से जुड़ जाएगा, तो आप नीचे जोड़ सकते हैं CH2 CH3 या इसे आप सामने भी जोड़ सकते हैं, बस वो हाइड्रोजन आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के साथ नहीं एक बॉन्ड, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, प्लस में फिर से HCl बनेगा, क्योंकि एक H इसका चला गया और एक Cl उसका चला गया, अब मैं इसी प्रोडक्ट को फिर से लेने वाला हूं, है ना, ये 2 डिग्री बन गया, टर्शियरी बन जाएगा, है ना, तो 2 डिग्री बनेगा और रिएक्टेंट वही है CH3 CH2 Cl, रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो अब मेरा रिएक्टेंट हो गया, तो ये CH3 CH2 और प्लस में क्या आएगा NH आएगा और इसके साथ CH2 CH3, अब इसके बाद क्या होगा, ये 2 डिग्री था ना, अब इसका एक और H चला जाएगा और ये फिर से जुड़ जाएगा, यानी CH3 CH2 फर्दर ऑन NH, अब देखो यहाँ CH2 CH3 इसका एच यहाँ से चला इसके साथ CH2 CH3 फिर से जुड़ गया, तो ये बन गया 3 डिग्री, अभी इसके पास लोन पेयर अभी भी पड़ा हुआ, ये 3 डिग्री बन गया, अब क्या होगा, ये फिर से रिएक्शन करेगा, जब तक इसके पास लोन पेयर है तब तक ये रिएक्शन करता है, तो ये फिर से रिएक्शन करेगा, तो प्रोडक्ट हम रिएक्टेंट वही ए पहले वाला सेम रखने वाले हैं रिएक्टेंट, है ना, तो यहाँ लग गया Cl, प्लस में क्या आ गया CH3 CH2 नाइट्रोजन CH2 CH3 यहाँ भी CH2 CH3, अब क्या होगा, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ से क्लोरीन चला जाएगा, ये फिर से CH2 और CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन गया नाइट्रोजन, जब भी चार बॉन्ड बनाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि इसने लोन पेयर इसको डोनेट किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और ये बन गया 4 डिग्री, लेकिन क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट इसके साथ, इसके पास एच तो था ही नहीं, तो जो क्लोरीन नेगेटिव यहां से अलग हुआ,
ठीक है, वो इसके साथ चिपक जाएगा क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, ये प्लस दिखाना था मुझे, मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, क्लियर है बेटा? सर तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया है ना, तो ये इस तरह से हाँ कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, लेकिन उसमें सारे बॉन्ड कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ सिर्फ एक ही बॉन्ड है कोऑर्डिनेट, ये डिफरेंस है बेटा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ऐसे बनता है भाई। तो आप लोग भी इसको ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी बात आती है कि मैकेनिज्म क्या है इसका, है ना? तो जरा देखिए मैकेनिज्म की बात करेंगे, व्हाट इज द मैकेनिज्म, है ना? ये ऐसा कैसे आ रहा है? ठीक है, तो अब देखिए जरा इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, मुझे कंट्रोल जेड दबाना पड़ेगा क्या ना, पिछले वाली स्लाइडें भी गायब हो रही हैं। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं अभी, मैकेनिज्म में क्या होगा। पहले मैं इसको रब कर लूं एक बार, मुझे यही मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म के अंदर देखो, हमें पता है क्लोरीन हटेगा नाइट्रोजन के पास से, तो बहुत आसान है इसको करना। अगर आप सही दिमाग लगा के देखते हो तो बहुत ईजी है इसको करना, नाइट्रोजन और क्लोरीन के ऊपर। देखो आर एक्स है, R पर स्लाइटली पॉजिटिव है, X पर स्लाइटली नेगेटिव है, नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट कर सकता है। तो देखो अगर हम सिंपल बनाते हैं, CH3 और हैलोजन लगा दिया, ठीक है, तो इसके ऊपर होगा स्लाइटली नेगेटिव, इसके होगा स्लाइटली पॉजिटिव। कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव है, प्लस में अमोनिया लगा रहे हैं NH3, नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर क्या करेगा अभी, ये इस पे अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज में, लोन पेयर को पॉजिटिव चार्ज के साथ जोड़ दूंगा। ये मैकेनिज्म है, ध्यान दे लेना, मतलब ये प्रोसेस कैसे हुई इसी को मैकेनिज्म बोलते हैं। देखो भाई लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर कार्बन के साथ यहाँ जुड़ गया, नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, और तीन हाइड्रोजन थे, तीन हाइड्रोजन और एक क्लोरीन था, ये लो एक क्लोरीन, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन यहाँ जुड़ गया, नाइट्रोजन के पास में तीन हाइड्रोजन भी थे, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और एक अभी उसके पास ही, बट एक डोनेट हो गया। कार्बन क्या होगा, कार्बन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही अटैक करता है क्लोरीन यहाँ से चला जाता है, तो यानी कि अब मैं इसका इस क्लोरीन को यहाँ सर सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है ना यहाँ तो। हाँ बिल्कुल, तभी तो निकल गया वो क्लोरीन। बिल्कुल बिल्कुल बेटा सही है, तो यानी यहाँ से क्लोरीन निकलेगा और हाइड्रोजन, मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आया, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्यों, क्योंकि उसने क्लोरीन नेगेटिव सीएल नेगेटिव को उड़ा दिया, बाहर निकल गया। तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज कहाँ से पूरा करेगा भाई, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, उसका लोन पेयर यहाँ से मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसे CH3, ये रहा हमारा CH3, फिर NH2 दो ही बचे ना, NH2, ठीक है, और इसका लोन पेयर वापस आ गया, और जो H निकलेगा वो एक्चुअल में क्लोरीन ले जाएगा, ठीक है, तो प्लस में HCl। समझ में आ गया मैकेनिज्म, हर बार ऐसा ही होगा कि लोन पेयर डोनेट हो जाएगा और फिर हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे तो लोन पेयर जस्ट डोनेटेड होगा, कोऑर्डिनेट बनेगा, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बनेगा। क्लियर है बेटा? यस सर, दैट इज क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट। तो इस तरह से यहाँ मैंने ये मैकेनिज्म भी दिखा रखा है, 2 डिग्री के लिए दिखा रखा है, ठीक है, 2 डिग्री ऑलरेडी है, 3 डिग्री बन गया, और 3 डिग्री से फिर क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट 4 डिग्री वाला भी बना के दिखा रखा है। तो ये होता है भाई, यहाँ पर 4 डिग्री बन गया, जिसे क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बोलते हैं। क्यों साल्ट बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और पॉजिटिव है तो क्लोरीन इसके साथ चिपक जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल के साथ चिपकेगा, ये आर के साथ चिपका हुआ नहीं है, इसको ऐसे अंडरस्टूड मत करना, ये एक्चुअल में ब्रैकेट में लिखना चाहिए ऐसे करके, और फिर एक्स नेगेटिव इसके बाहर लगेगा। क्लियर है बेटा सबको, है ना? यस सर। अब देखिए इसमें एक खास चीज थी, प्राइमरी अमाइन को अगर मेजर प्रोडक्ट, अब देखो मैंने यहाँ पे RX डाल दिया और ये डाल दिया, तो ये लास्ट तक सारे बनेंगे, सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन अगर मुझे प्राइमरी अमाइन मेजर प्रोडक्ट चाहिए, टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया, अमोनिया को अगर आप ज्यादा ले लेते हो शुरू में, तो यही वाला लार्ज एक्सेस बनेगा। और अगर क्वार्टरनरी चाहिए मेजर प्रोडक्ट, तो एल्काइल हैलाइड RX जो लूंगा, इसको मैं ज्यादा ले लूंगा, अगर ये ज्यादा है तो फोर्थ प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर ये ज्यादा है तो पहला ही प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा, याद रहेगी ये बात, ये नीचे वाले yes, sir, याद रहेगी सर, ठीक है, वैसे ये याद होनी चाहिए आप सभी को जिन्होंने पहले रिलेक्चर कर रखा। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट आती है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है, उस बाई प्रोडक्ट को फिर से हम थैलामाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाई प्रोडक्ट को फिर से थैलामाइड में, कैसे, ये हमारा थैलामाइड, ठीक है, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर सी डबल बॉन्ड हो दोनों तरफ लगा हुआ है और NH के साथ जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन हमें जोड़ना है हमारे R के साथ, बस आपको यही याद रखना, ये नाइट्रोजन RX में R के साथ जुड़ेगा,
मतलब कुल मिला के देखो ध्यान दिया जाए कुछ भी नहीं है इस रिएक्शन में, बस ये भयंकर वाला प्रोडक्ट दिखता है और ये रिएक्टेंट दिखाई नहीं देता। होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, इसे ऐसे लिखना चाहिए RX और इसको लिखना चाहिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक एच है और बाकी के दो क्या है COCO है, ठीक है। और ये CO किससे जुड़े हुए हैं, ये एक ही एक से जुड़े हैं ना, तो ये COCO जो है कुछ ऐसे करके एक ही बेंजीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है तो इसे ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं ये क्या ही है, इस पे फोकस करना है। ये अमोनिया है तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा कार्बन को जिस पे, और ये नेगेटिव है यहाँ से निकल जाएगा, इसका एच छीन लेगा, फिर इधर से भी ये वापस बॉन्ड छीन लेता है। तो इनके वही है जो पीछे वाली प्रोसेस है अमोनोलाइसिस, सेम अमोनिया ही इसमें डाल रहे हैं बट ये अमोनिया थोड़ा अलग फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें रिएजेंट्स क्या क्या है, अल्कोहल डालेंगे, अल्कोहलिक KOH है ना, बेस डालेंगे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस, फिर RX डालते हैं, अल्काइल हैलाइड डालते हैं दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर बेस प्लस वाटर डालते हैं, तो 1 डिग्री बनेगा। ये हमेशा 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ही बनाता है क्योंकि R ये जो RX था ये RAC के साथ जुड़ेगा, बस ये 1 डिग्री पर अटक जाता है, 2 डिग्री नहीं बनाएगा, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन तो है नहीं, एक ही है। अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे है, KOH डालते हैं सबसे पहले, तो क्या करता है वो H को उड़ा के ले जाता है, KOH H को उड़ा के ले जाएगा जिससे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये नाइट्रोजन अब अटैक ज्यादा अच्छे से कर सकता है R पर। पहले क्या होता था नाइट्रोजन अपना लोन पेयर R को डोनेट करता था, बट अब ये बड़ा ग्रुप हो गया इसलिए R को डोनेट करने के लिए नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो हाइड्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट कर देता है जिससे नाइट्रोजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज R पर अटैक करता है, R स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव, तो R के साथ ये जुड़ गया। पोटेशियम का कोई लेना देना नहीं है, पोटेशियम तो स्पेक्टेटर आयन होता है, सॉल्यूशन में घूमता रहता है, ये अफेक्ट नहीं करता हमारी रिएक्शंस को। यस क्लियर है ये बात, यस सर। अब आगे देखिए फिर क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ है भाई, सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर लेके जाएगा, ये OH नेगेटिव आयन इधर अटैक करेगा, तो हमारे पास क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ OH नेगेटिव आयन था ना, OH नेगेटिव आयन यहां लग जाएगा क्योंकि बेस है, तो फिर OH नेगेटिव आयन जब इसके साथ पूरा जुड़ जाएगा तो क्योंकि इसमें बेस भी डाला हुआ है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसका H पॉजिटिव आयन बेस वापस फिर से ले जाएगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये स्टेप समझ में आया, सेम यहां पर होता है और ये नाइट्रोजन को लोन पे डोनेट कर देता है और इस तरह से नाइट्रोजन बिल्कुल अलग हो गया, ये अलग हो गया तो वो वाटर में से H पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करके NH2 बना देता है, ठीक है। समझ में आया या मैं इसको एक्सप्लेन करूं, मुझे बता दो और एक्सप्लेनेशन चाहिए। हाँ बेटा दोबारा बताइए। यस सर आ गया, ठीक। तो भाई नहीं भी आता है मैकेनिज्म में, इसमें कुछ खास रखा नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ, बस ये स्टेप और ये स्टेप याद रखिए, इतना काफी है, ठीक है। सीधा आप ये बना सकते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फिर से बन गया। इसको अब इस NH में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, इसको अमोनिया के साथ जस्ट हीट भी कर दोगे तब भी ये NH बन जाएगा, हीट करने पर भी ये निकल जाएगा और ये डायरेक्टली हमारा फिर से थैलामाइड बन जाएगा। तो यानी इसे बार बार यूज किया जा सकता है, अच्छी बात यह है कि हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं और फिर बार बार हमारा RNH2, ये हमारा मेन प्रोडक्ट, क्योंकि मेन प्रोडक्ट को ये छुपा लेता है क्योंकि बड़ा आयन है ना, तो ये ऐसे करके कुछ काम करता है। क्लियर है भाई? यस सर। अब देखिए इसमें फायदा क्या है ये बता देता हूँ, RX कार्बन की चेन आप कोई भी ले लो, हम उसी चेन के हिसाब से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बना, प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए होफमैन ब्रोमामाइड डीग्रेडेशन रिएक्शन, ब्रोमीन प्लस NaOH होगा, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ को डीग्रेडेशन, वर्ड से समझिएगा, डीग्रेड कर रहे हैं कार्बन, टूटना, छोटी हो जाएगी कार्बन की चेन, तो ये जितनी भी लंबी कार्बन की चेन थी उसमें से एक कार्बन कम हो जाएगा और सीधा ब्रोमीन NaOH के साथ में RNH2 Na2CO3 वाटर प्लस NaBr ये सब बन जाएगा। क्लियर है सर? वो आइडा फॉर्म वाली नहीं थी, उसमें भी ये लिया था NH, बस I2 था इसकी जगह। हाँ अब ये NC2 में वो बन जाएगा सोडियम हाइपोब्रोमाइड। बिल्कुल बेटा, तो देखिए ब्रोमीन के साथ में अगर NaOH की रिएक्शन करवाते हैं तो ये ब्रोमीन और NaOH है, तो सबसे पहले ये सोडियम हाइपोब्रोमाइड बनाता है। पोटेशियम KOH भी ले सकते हो आप, पोटेशियम के साथ KOBr ले सकते हो, KOBr बन जाता है। डायरेक्ट लेना चाहो डायरेक्ट ले सकते हो, बात तो एक ही है ना, क्लियर है। तो इससे क्या बनता है, इससे ये बनता है, ये भी मैंने लिखा हुआ है, एल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में इसको डाला जाता है।
भाई अब बेस कोई भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, सी डबल बॉन्ड हो यहाँ से उड़ जाएगा, पूरा ही निकल जाएगा, बस सीधा जुड़ जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है एकदम, ठीक है। सी डबल बॉन्ड हो, एक और ऑक्सीजन वो शायद यहाँ से NaOH या वाटर से कहीं से मिलेगा, ठीक है। Na2CO3 वाटर प्लस NaBr, क्लियर है, समझ में आ गई। होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ब्रोमामाइड, एमाइड मतलब एसिड अमाइड, उसके साथ ब्रोमीन की रिएक्शन कर रहे हैं और उसको उड़ा के ले जाती है, इससे भी आप समझ सकते हो। अब बात आती है भाई फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अमाइन होंगे, लोअर एलिवेटिंग अमाइन सोल्यूबल होते हैं, जैसे जैसे कार्बन की चेन बड़ी होगी तो वो सोल्युबिलिटी पानी में कम हो जाएगी, कार्बन की चेन बढ़ाइए सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो अब सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे इनक्रीज होता है, हायर अमाइन एसेंशियली अनसोल्युबल होते हैं, ठीक है, यानी कार्बन की चेन बढ़ेगी तो वो अनसोल्युबल हो जाएंगे, अगर कार्बन की चेन छोटी है तो वो सोल्युबल होगा, बस इतनी सी बात है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट में मैंने यहाँ पर जो लिख रखा है सीधा सीधा ये देखिए, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। 2 degree, 3 degree, 1 degree, 2 degree, 1 degree, 3 degree, ठीक है। अगर कार्बन की चेन, ये वाली चेन जिसके साथ अमोनिया लगा हुआ है, अमाइन लगा हुआ है, ये चेन एक कार्बन से ज्यादा लंबी है, चाहे वो 2 की हो चाहे 100 की हो, ठीक है, अगर वो एक कार्बन से ज्यादा लंबी है तो उसका पैटर्न क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का, 2 degree का बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या होगा बताओ भाई। 2 degree का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद 3 का, फिर उसके बाद 1 का, समझ में आया? Yes. 2 degree हमेशा ज्यादा ही रहेगा, ठीक है, सभी में, और 3 और 1 ये कम कम आएगा। अगर 1 degree का होगा ना सबसे ज्यादा, किसका 1 degree का होना चाहिए ना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो बेटा सुनिए 1 degree का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि सर अभी चार तरफ से बॉन्ड बना है तो ब्रेक करने में मुश्किल होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी वाटर के साथ जब 1 degree में। देखिए 1 degree अमाइन भले हो लेकिन कार्बन की चेन बड़ी है ना, कार्बन की चेन बड़ी हुई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं टिकेगी, समझ गए? ओके, कार्बन की चेन बड़ी ना बेटा। अब देखो दूसरे लेवल पर यहाँ क्या होता है, यहाँ पर 1 और 3 में बस यही फर्क आता है, 2 degree ही सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है, उसके अलावा ये सब कम होते जाएंगे। तो या अगर सिर्फ एक कार्बन की चेन है, सिर्फ एक कार्बन की चेन और उसके साथ अमोनिया लगा हुआ, अमाइन लगा हुआ, तो इसका मतलब वहां पर भी 2 degree ज्यादा रहेगा लेकिन 1 अब ज्यादा हो जाएगा और लास्ट होगा 3 degree, 3 degree का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम और 2 degree का सबसे ज्यादा, 1 degree बीच में आएगा। मतलब नंबर देखो 231 नंबर मतलब 2 degree 3 degree 1 degree, 213 नंबर 2 degree 1 degree 3 degree, समझ में आ गया? जो कम है वो छोटी चेन वाला, तो ज्यादा है वो बड़ी चेन वाला, बस इतना याद रखिए, क्लियर है? ये चीज याद रखनी बहुत इम्पोर्टेंट है। नीचे ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट गलत दे रखा है क्या? अरे वो गलत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अमोनिया का वाटर के साथ देते हैं, वो मतलब सिर्फ और सिर्फ अमोनिया का, अमोनिया के अंदर देते हैं, दो तरीकों से इसे निकाला जाता है, ठीक है। चलो मैं इसको भी बता देता हूँ कि इसमें होता क्या, हाइड्रोजन है ना, हाँ वो अलग अलग मेथड्स है लेकिन ओवरऑल जब निकालते हैं हम एक कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमें दोनों कंडीशनों में ही देखना पड़ता है अमोनिया का, ठीक है, तो इसलिए ओवरऑल जो निकलता है वो वही निकलता है, ठीक है, वो 1 degree 2 degree 3 degree दोनों तरीके से बताएगा वो। अब देखिए आगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन, अब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, रिएक्शन शोइंग बेसिक नेचर, जो रिएक्शन बेसिक नेचर दिखाती है, ठीक है। अब हमें पता है भाई अमोनिया बेस है, HCl के साथ रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, लोन पे डोनेट कर देगा H को, तो 3H जुड़ गए, यहाँ क्लोरीन नेगेटिव आ गया, ठीक है, ये हुआ H था, H ने क्या किया, एक H इधर जुड़ गया, Cl नेगेटिव इधर जुड़ गया, ये यही मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट अगर हमारे पास एनिलिन है, HCl, एनिलिन क्या करेगा, HCl H पॉजिटिव आयन नाइट्रोजन के ऊपर चिपक जाएगा, क्लोरीन बाहर, ठीक है। अगर हमारे पास ये साल्ट है, अगर इसको बेस से रिएक्शन करवा दो, भाई HCl इसमें जुड़ा हुआ है, ध्यान से बेस से रिएक्शन करवा दो, क्या होगा, बेस इससे रिएक्शन कर लेगा और हमारे पास RnH2 वाटर प्लस NaCl ये जुड़ जाएगा। यस क्लियर है बेटा? yes, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ एसिड और बेस की रिएक्शन, वही बकवास रिएक्शन, वो फिर से वापस हमें मिल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन मतलब सी डबल बॉन्ड हो कुछ भी नहीं कर रहे, नाइट्रोजन इज ए गुड बेस ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ ये करने क्या वाला है ये ध्यान रख लेना। पहले क्या होता था, इसका ये पॉजिटिव आयन बनता था,
और ये पॉजिटिव आयन क्या करता था, फिर हमारी बेंजीन रिंग पे अटैक करता था, है ना, जहाँ पे भी बेंजीन रिंग होती थी। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी जरा इसका मैकेनिज्म से डायरेक्ट आपको समझ में आएगा। सी डबल बॉन्ड ओ जो है ना, एसिड क्लोराइड जो है ना, वो सी डबल बॉन्ड इधर आएगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इधर डोनेट करेगा, फिर ये इसके साथ जुड़ जाएगा और फिर ये अपना एक लोन पेयर हाइड्रोजन से वापस ले लेगा। यस, समझ में आ गया बेटा, ऐसे जुड़ेगा। पहले वाली जो आप फ्रेडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन करते हैं उसका मैकेनिज्म और इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो इसलिए आपको इन दोनों को डिफरेंशिएट करके अच्छे से याद करना है। सर ये एल्डोल जैसा ज्यादा लग रहा है। हाँ कुछ 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 कुछ, लेकिन इसमें क्लोरीन सीधा बाहर निकल रहा है, एल्डोल में वैसा नहीं होता है ना, तो सिंपली आप ये कह सकते हैं। और इस तरह से ये मैकेनिज्म निकलता है ना कैनिजारो में। हाँ उसके अंदर कह सकते हैं वैसा कुछ, है ना। चलो मिलता जुलता सा है, लेकिन ये मतलब हमारा फ्रेडलक्राफ्ट वाला नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ऐसा होता है भाई, तो यहाँ मैंने उसी मैकेनिज्म को शो कर रखा, वो सीधा जुड़ गया, बस बात कुछ नहीं है। तो बेस क्या काम करता है, बेस जो वो एच पॉजिटिव आयन को लेके जाता है, बस यही असर करता है बेस, और कुछ नहीं करता। बेस एच पॉजिटिव आयन को ले जाएगा तो इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव आएगा तो जल्दी अटैक करेगा, अटैक यही करेगा। तो देखो नीचे भी दिखा रखा है यही मैकेनिज्म, ये यहाँ अटैक कर रहा है, H वापस जा रहा है, C डबल बॉन्ड इधर आ रहा है। अभी उसके बाद जैसे ही डबल बॉन्ड वापस जाएगा तो यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगा, ये नहीं है कि ये वाला हट जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वहीं जुड़ा रह गया। देख लो नाइट्रोजन जो है, आप ध्यान से देखना, ये नाइट्रोजन था जिसका एक एच चला गया और दो कार्बन की चेन्स थी इसके पास, तो यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक है। ये नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा, सी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा, और इस तरफ CH3 था वो ऐसा कैसा है, इस तरफ CL था वो चला गया। हाँ बेटा क्लियर है मैकेनिज्म? यस बेंजीन अगर साथ लगाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाइट्रोजन ने वही अटैक करना है। अब देखो इन्होंने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अटैक करवा रखा है, एसिटिक एनहाइड्राइड में क्लोरीन की जगह पर ये वाला लिविंग ग्रुप है, ये वाला, ये क्या बनाएगा बाद में, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, जो H नाइट्रोजन का गया था वो इसके साथ लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर वाला हिस्सा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, C डबल बॉन्ड CH3 हमारा इसके साथ जुड़ गया, C डबल बॉन्ड CH3 नाइट्रोजन के साथ, और इसके पीछे बेंजीन था वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? अब देखो ऐसी ऐसी रिएक्शंस में ना हम रिंग वाली रिएक्शंस भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो तो रिंग वाली रिएक्शंस भी यहां से आप बना सकते हो कि नाइट्रोजन जो है थोड़ी बड़ी चेन चाहिए। हाँ चेन बड़ी कर दो, नाइट्रोजन अपना लोन पे फिर से डोनेट कर सकती है, किसी ने किसी के साथ रिंग बना सकती है फिर से, ठीक है। और यही आप लोग जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हो तो रिएक्शन का कोर यही होता है, एसाइलेशन एल्काइलेशन जो भी है रिएक्शन का कोर यही होता है, लेकिन वो रिंग बनाता है ना। तो यहाँ ध्यान देना सर, स्ट्रेट चेन रिंग कैसे बन जाती है, अगर स्ट्रेट चेन है कोई स्ट्रेट चेन लंबी हो जैसे नाइट्रोजन है बेटा, देखो ये नाइट्रोजन है अपना लोन पेयर डोनेट कर सकती है, और वहां स्ट्रेट चेन में लंबाई में यहां पर मैं CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड O जोड़ देता हूं, ये डबल बॉन्ड और ये कार्बन इसके ऊपर, ये नाइट्रोजन इस पे अटैक कर देगा, तो एक एटम दो एटम तीन एटम चार एटम पांच एटम छह एटम, छह एटम वाली क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी, और इसका एच जो है इसके ऊपर जुड़ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. No, sir. चलो दोबारा बोलो, देखो सी मैं यही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, बस इसके कार्बन की चेन को क्या कर रहा हूँ बड़ा कर रहा हूँ, C6H5, ठीक है, आ गया नाइट्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन है, ये लोन पेयर है, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ये लग गया CH2, बस ये चेंज किया मैंने, CH3 की जगह CH2 लगा दिया, फिर से CH2, फिर से CH2, ठीक है, एक दो तीन चार पांच, एक और CH2 लगा देते हैं, ठीक है, CH2 नहीं सॉरी, यहाँ C डबल बॉन्ड O लगेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मान लो मैं H लगा देता हूँ, ये एल्डिहाइड है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? मैंने सिर्फ कार्बन की चेन को अलग किया और कुछ नहीं किया। अब आगे देखिए जरा इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड O है तो ये तो टिकने वाला नहीं है, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड O होता है वो अपना एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, एक बॉन्ड पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, गुड बेस है, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, तो इसके साथ जुड़ गया। जुड़ने के बाद क्या होगा, अब जरा देखो C6H5, यहाँ नाइट्रोजन था, ठीक है, और अब देखो ये सिक्स मेंबर्ड रिंग नहीं बन जाएगी, एक दो तीन चार पाँच छः, तो सिक्स मेंबर्ड रिंग बना रहा हूँ मैं, ठीक है, नाइट्रोजन को वन ऑफ द एटम मान के, यहाँ पर हाइड्रोजन को बाद में लेंगे, ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे
और ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये सिक्स मेंबर्ड रिंग बना दी मैंने। अब देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसके सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, तो सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया नाइट्रोजन के साथ। इसके साथ यहाँ एच था, ऑब्वियस है, चार बॉन्ड पूरे हो रहे हैं नाइट्रोजन के, क्योंकि अपना लोन पेयर ऊपर वाले कार्बन को डोनेट कर रहा है ना, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन से वापस ले लेगा, तो इसका लोन पेयर वापस आ जाएगा क्योंकि यहाँ से एच चला गया। ये स्टेप समझ में आ गया, ये यहाँ वहां पे OH बन जाएगा, ठीक है, वो बाद में बनाते हैं, रुको। तो उसके बाद क्या, ये सी डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर सी एच टू था, ये लो सी एच टू लगा दिया, फिर सी एच टू है, फिर से सी एच टू लगा दिया, फिर उसके बाद सी एच टू है, फिर से सी एच टू लगा दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ था जो कि एक बॉन्ड छीन लिया था उसने, और एच ऑलरेडी लगा हुआ था, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से जो एच गया था वो यहाँ जुड़ गया, तो हम इसको सीधा दिखाते हैं, ये बन गया वो एच, ठीक है, क्लियर है बेटा? सर एक चीज पूछनी है सर। अब एक मिनट, अब इसी को देखो, इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसी को कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ जो आपको लगेगा, ये सी एच टू को दिखाने की जरूरत नहीं होती किसी भी रिंग में, है ना, पता है ना, क्योंकि ऑलरेडी उस रिंग के अंदर। अब यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है, फिर इसके बाद में यहाँ पर है नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के साथ में यहाँ मैं आप पीएच दिखा देता हूँ, पीएच है ना, ओनली फिनाइल, और इस तरफ क्या है, ये सी के साथ ओएच लगा हुआ, एच दिखाने की जरूरत है ही नहीं, ये ऐसा एच तो दिखाना पड़ेगा, ये ओएच वाला, इसका एच, इस कार्बन का एच दिखाने की जरूरत नहीं है ना, तो ये कुछ ऐसा बना देगा। अब पेपर में आपको क्या दे सकता है, एग्जाम के अंदर वो बड़े शाने हैं, ये OH हो सकता है, इस कार्बन पे दिखा दे, उनकी मर्जी होती है, वो कहीं पर भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन है, इसके साथ में यहाँ पीएच जुड़ा हुआ है। अब देखो मतलब क्या गेम खेलते हैं ये लोग, है ना, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है, ये लो सर सेम ही बन गया स्ट्रक्चर, बस उल्टा कर दिया, बस थोड़ा सा टेढ़ा किया मैंने, उल्टा किया, इसको ऊपर उठा दिया, आगे आगे ये OH को ऊपर उठा दिया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? Yes, अब देखो वो देंगे क्या, वो आपको ये ऐसे नहीं देंगे कि वो घुमा के ऐसे आपको दे देंगे कि लो भाई ये छठे वाला कार्बन इसके पास ले आता हूँ ताकि ये लोन पे डोनेट करवा सके, वो देंगे तो आपको स्ट्रेट चेन ऐसे वाला स्ट्रक्चर, इसमें मान लो यहाँ पे सी एच टू लगा के CH2, ठीक है, CH2 और फिर सी डबल बॉन्ड ओ और एच, और सी डबल बॉन्ड ओ भी नहीं देंगे, वो सी एच ओ लिख देंगे, लो भाई लिखा हुआ है सी एच ओ, अब आप पहचान नहीं पाओगे कि ये यहाँ अटैक करेगा, समझ गए, और फिर प्रोडक्ट में देते हैं, एक तो सिंपल चेन वाला कुछ बना देंगे और दूसरा आपको ये रिंग वाला बना देंगे, समझ में आया, और रिंग में भी गड़बड़ करेंगे, वो रिंग में, सुनिए, रिंग में भी गड़बड़ कर देंगे, हो सकता है बीच में बेंजीन भी बना दे, अब बेंजीन तो ये है नहीं लेकिन आपको लगे ये भी सही हो सकता है ना, और एक ऐसा देंगे कि जिसमें OH इस कार्बन की जगह इस कार्बन पे OH दिखा देंगे, तो ऐसे करके कंफ्यूज किया जाता है, तो आप इसीलिए कहा जाता है कि इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरत होती है, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया सर? मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मेक द रिंग, आहा ये कभी भी नहीं पूछेगा, मेक द प्रोडक्ट, ये असाइलेशन जो हम करते हैं मैं ये प्रोडक्ट लाने के लिए हमें तो मतलब जो एसिड एनहाइड्राइड का जो ये सिंपल एसीटेट है इसके दोनों साइड में मतलब इतनी लंबी लंबी चेन चाहिए होंगी ना ताकि वो मतलब निकल, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, वो एक, अरे वो एक प्रोबेबिलिटी है, मैं जस्ट गेस बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए ये मत समझो कि आपका बस रिएक्टेंट लिया और प्रोडक्ट बनाइए तो प्राइमरी स्टेप हो गया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आपको बनाना आता है, अगर कोई यूं कहे कि एसिड क्लोराइड या एसिडिक एनहाइड्राइड हमें प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन के साथ जोड़ना है तो आपको वो जोड़ना आना चाहिए, फिर उसकी अगर रिंग बड़ी हो रही है छोटी हो रही है ये हो रहा वो हो रहा वो सारी बातें सेकेंडरी स्टेप है, समझ रहे हो बेटा? तो यहाँ प्राइमरी स्टेप सीख लिया, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे सेकेंडरी स्टेप प्रैक्टिस में सीखोगे बार बार, क्योंकि सारे, अब सोचो जरा, मैं अगर इसके 10 टाइप के मैकेनिज्म तो खैर एक ही रहेगा, 10 टाइप की आपको मैं रिएक्शन प्रैक्टिस करवाऊंगा इस क्वेश्चन की, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस तो हो जाएगी अच्छी खासी, लेकिन क्या आपको लगता है कि फिर हम सिलेबस पूरा कर पाएंगे स्पीड से? नहीं होगा, इसलिए बच्चों को लेते हैं हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, एक दो रिएक्शनें बताते हैं, आप 10 न्यूमेरिकल उसके करके आइए, डेली आपको केमिस्ट्री के 10 कम से कम डीपीपी से शॉर्ट आउट करके आना चाहिए, जो सॉल्व नहीं हो रहा आपसे डीपीपी, ठीक है, उसको छोड़ दो, 10 में से गारंटी देता हूं अगर आपने लेक्चर को अच्छे से देखा 10 में से सॉल्यूशन देखकर 8 समझ में आ जाते हैं, आप कर भी लोगे याद भी कर लोगे, उनको भी याद करना, ये नहीं कि समझ आ गया तो छोड़ दिया, याद होना चाहिए, 2 ऐसे रह जाएंगे जिसमें कुछ अलग ही चीज होगी तो वो आप हमारे पास भेज सकते हो, और वो कभी कभी रेयरली होते हैं, डेली नहीं होते है ना,
तो वैसे पढ़ा जाता है। अब हमारा काम खत्म होने के बाद आप लोग अपना काम नहीं कर पाते हैं पूरा, जो बताया गया है वो होमवर्क नहीं कर पाते हैं, इस वजह से आप लोग भी इस स्टेप पर रुक जाते हैं कि सर ने तो इतना बताया हम भी रुक गए। वो 10 डीपीपी आपको करनी है हर कीमत पर, है ना। तो उसके बाद मेंस के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन थोड़े थोड़े करके, मतलब डेली मैं जनरली बोलता होता हूँ डेली आपको 3 सब्जेक्टों के लिए 4.5 से 5 घंटे लगाने हैं, है ना। ये मैं जनरली बोलता हूँ 4.5 से 5 घंटे जरूर लगाएंगे। आज नहीं हो पाएगा, कल टेस्ट दिया था तो उसका एनालिसिस हुआ था बस। चलो कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी अगर हो कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन देखो महीने में अगर एक बार आपको हैंगओवर होता है किसी चीज से, एक या दो बार, ठीक है, यानी 2 हफ्ते में अगर एक बार आप एक दिन नहीं पढ़ पाते हो तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर वो मतलब आप 4 दिन में एक दिन पढ़ रहे हो तो वो उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, पास तो हो जाओगे, ठीक है। लिखा थोड़ा सा, मतलब स्कूल का भी प्रैक्टिकल फाइल का काम था, वो भी बहुत सारा बच गया है, एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बस अपना ना पैटर्न देखो कि डेली ऐसा तो नहीं हो रहा, अगर डेली नहीं हो रहा फिर कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे देखिए, डेली नहीं होता सर, सही है। फिर तो होफमैन कार्बाइलामाइन रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है, है ना, कार्बाइलामाइन आइसोसाइनाइड होफमैन की ही रिएक्शन है। होफमैन ब्रोमोएमाइड था ना पहले, अब इसमें क्या कार्बाइलामाइन के लिए टेस्ट के लिए बता रहा है, प्राइमरी एमाइन के लिए ये टेस्ट है। क्या डालना है आपको, क्लोरोफॉर्म डालिए, क्यूएच की प्रेजेंस में हीट कीजिए, प्राइमरी एमाइन जो है वो एनसी में जुड़ जाएगा, आरएनसी, प्राइमरी एमाइन से आरएनसी जुड़ जाएगा। समझ में आया बेटा, उल्टा हो जाएगा, फिर आ गया। अब उल्टा सीधा तो नहीं होने वाला है, ऑब्वियस है, पता है सर, रिडक्शन हो गया मतलब, नहीं ऑक्सीडेशन हो गया, घूम गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसमें, क्योंकि सर पहले तो कार्बन और जुड़ा है यार, नहीं नहीं देखो इसमें एक कार्बन प्लस हो जाता है, लगता नहीं है, एक कार्बन प्लस हो रहा है, ऐसा नहीं कि कार्बन कार्बन की चेन से आया, नहीं कार्बन की चेन वैसे ही है, एक कार्बन ऐड हो रहा है, कहां से ऐड हो रहा है, CCl3 से, CHCl3 से, क्लोरोफॉर्म से एक कार्बन ऐड हो गया, इंटरमीडिएट बन गया क्लोरोफॉर्म से, क्लियर है बेटा जी, ठीक है। इंटरमीडिएट इसके अंदर क्लोरोफॉर्म के अंदर ये बनता है भाई, ठीक है, डाई क्लोरो कार्बीन, ये कार्बीन मतलब कार्बन की दो वैलेंसी खाली है, दो वैलेंसी और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, ये लोन पेयर लेगा नाइट्रोजन से और इस तरह से ये इसके साथ जुड़ जाएगा कार्बन, और उसके बाद ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो एनसी बन जाएगा, ठीक है। आप खुद इसका मैकेनिज्म ट्राई कर सकते हो, आई थिंक आप आसानी से बना सकते हो, नहीं भी करोगे तो याद होना चाहिए, बस सीधी बात ये है, ठीक है, क्लियर है बेटा, यस सर, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एथेनोलिक के साथ में रिएक्शन ये लो बेटा, अब यहाँ देख लेना, ये एज ए टेस्ट यूज होता है, क्यों होता है एज ए टेस्ट यूज, फाउल स्मेलिंग, सड़ी हुई स्मेल आती है, अब हमें क्या पता आइसोसाइनाइड बन गया, ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो क्या सारों का टेस्ट लगा दें, ये बना दो सर टेस्ट हो गया, अरे उसका पता कैसे लगेगा, कुछ चीजें स्मेल आउट हो जाती हैं, कुछ चीजें दिखाई देती हैं कलर में, उसको टेस्ट बोला जाता है, ये याद रख लेना, जो चीज स्मेल आउट हो जाए या कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हो या फिर कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर हो, है ना, जो दिखाई दे, तो यहाँ पर दिखाई कुछ नहीं देगा लेकिन स्मेल आएगी, बहुत गंदी स्मेल आएगी, फाउल स्मेल, सर पंजेंट स्मेल भी आती है, उसका क्या मतलब होता है, देखो पंजेंट स्मेल होता है कि जिसको कहते हैं इरिटेटिंग स्मेल, ठीक है, इरिटेटिंग, आपको इरिटेट करता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि इरिटेटिंग स्मेल कौन सी होती है जिसमें आप मतलब यूं तीखी स्मेल, नाक के बाल सड़ा देने वाली, जैसे H2SO4 को स्मेल करके देख लेना, H2SO4 में से वेपर निकलते हैं ना, कंसंट्रेटेड H2SO4, वो नाक के बाल जलाने वाली स्मेल होती है, बहुत ये लगेगा इरिटेटिंग, बस दूर कर दूं मैं इसको, ठीक है। एक होती फाउल, फाउल मतलब गंदी बदबूदार, आपको सीवर में से स्मेल आ रही है, वो आपको मतलब इरिटेट नहीं करेगी लेकिन बहुत गंदी स्मेल है, समझ गए, वैसा, क्लियर है, yes, sir. है ना, और ये स्मेल मुझे ऐसे भी लगती है, ये स्मेल आई डोंट नो आपको कैसी लगेगी, सबकी अलग अलग फीलिंग है, इसमें ना उल्टी आने का दिल करेगा, फाउल, ये इतनी गंदी स्मेल होती है कि आपको लगे उल्टी आने वाली है इसकी स्मेल, ठीक है, कभी करके देखना, अमोनिया को क्लोरोफॉर्म और क्यूएच डाल के देखना, ऐसा लगता सब बाहर है ना, तो भाई इससे हमें कंफर्म हो जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट का, मतलब प्राइमरी अमाइन का। अब देखो प्राइमरी अमाइन तो हमने कर लिया टेस्ट, लेकिन इसके अलावा भी तो अमाइन्स होते हैं, उन सब के लिए भी तो टेस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर हम उन सब के टेस्ट की बात करेंगे, रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो क्या होता है,
वो एक्चुअल में तो ये है, ठीक है, बेंजीन सल्फो सल्फोनाइल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनाइल मतलब सल्फर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और यहाँ क्लोरीन लगा और ये बेंजीन लगा हुआ है। लेकिन आजकल इसको यूज किया जाता है, पीछे मिथाइल भी यूज होता है ताकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ जाए इसकी, ठीक है। TSCL बोलते हैं इसे, पैरा टाउलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, दैट इज पैरा टाउलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, TSCL बोला जाता है। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट ही है दोनों, ठीक है। पहले यहाँ CH3 नहीं था, अब CH3 और लगाने पर थोड़ा और बेटर हो गया। देखो ये क्या करता है, प्राइमरी अमाइन के साथ में ये RNH2 क्या करेगा भाई, यानी प्राइम 1 डिग्री अमाइन है, ये सल्फर डबल बॉन्ड ओ है, तो सल्फर का डबल बॉन्ड ओ इधर जाएगा, ऑक्सीजन जब भी डबल बॉन्ड बनाता है सेम प्रोसेस है, यहाँ देख लो एक बॉन्ड छीन लेता है, सल्फर पे आएगा पॉजिटिव, नाइट्रोजन देगा अपना लोन पेयर, ये जुड़ गया इसके साथ, फिर इसका एच जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, क्लियर है? यस बेटा, ठीक है। अब देखो, अब ये बेस में सोल्यूबल होता है, क्यों होता है सोल्यूबल, इसके पास एक और एच है, अभी है ना, एक और एच, अगर एक और एच है तो मान लो मैंने KOH डाल दिया, प्लस में KOH, ये खत्म हो चुका है, ठीक है, HCl बना था, अब मैंने KOH डाल दिया, HCl KOH से रिएक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन मैंने KOH ज्यादा डाला है, तो OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, इसका ये H ले लेगा, इसका H लेने पर क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से KOH, यानी ये KOH में आसानी से घुल जाएगा, क्योंकि भाई KOH में घुलेगा ना, फिर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा और इसका H भी जा रहा है, है ना, तो ये कुछ इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव कुछ अडक्ट बनेगा बेटा, इस तरह से ये अटैक मतलब घुल जाता है। अब दूसरा देखो, अगर मैं 2 डिग्री अमाइन लेता हूँ, इसका एक एच तो यही खा जाएगा, अब इसके पास कोई एच नहीं है, तो ये इनसोल्यूबल होता है अल्कली में, मतलब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ हिंसबर्ग रिएजेंट डालूंगा, अगर वो प्राइमरी अमाइन है तो मैं उसमें फिर हिंसबर्ग रिएजेंट डालने के बाद क्या करूंगा, बेस डाल दूंगा, बेस में घुल रहा है, थोड़ा और डालूंगा, सारा घुल जाएगा, घुल गया तो मतलब ये 1 डिग्री था, अगर ना घुले तो मतलब ये 2 डिग्री था, बट अगर 3 डिग्री हो तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, 1 और 2 डिग्री हमें ये तो दिखाई दे रहा है, वो रिएक्शन कर रहे हैं हिंसबर्ग के साथ, ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, बात ही करते, जब रिएक्शन ही नहीं हो रही तो इनसोल्युबल तो कुछ बनेगा ही नहीं, समझ में आ गया भाई? यस क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया? यस ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट देखो भी, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, HONO के साथ रिएक्शंस हैं, यही हम बात कर रहे थे आज जब सेकंड लेक्चर शुरू किया था हमने, तो मैं ये HONO के बारे में ही बात बता रहा था। HONO क्या होता है, NaNO2 और HCl से मिलकर बनता है HONO, ठीक है, HONO बोल सकते हैं, HNO2 बोल सकते हैं, ये क्या है, नाइट्रस एसिड है। एमाइन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं HNO2 की या नाइट्रस एसिड के साथ या NaNO2 और H2SO4, तीनों एक ही चीज है, कोई खास बात नहीं है, तो ये भी हमें अलग अलग तरह की चीजें देता है। देखो भाई, 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन के साथ अगर HONO की रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl बनता है, क्लियर है? Yes, याद रखना, ये अल्कोहल डायरेक्ट नहीं बनता होता, ये अल्कोहल नहीं बनता डायरेक्ट, क्या करता है ये डायजोनियम साल्ट बनाता है, और इसका मैकेनिज्म देख लो कैसे बनेगा, NaNO2 और HCl, HNO2 प्लस HCl बनता है, सीधी सी बात है, HCl है, इसका H जो पॉजिटिव आयन है ये यहाँ चला गया NO2 के साथ, और Na अलग हो गया Cl के साथ, ठीक है, ये तो सीधा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, NaNO2 और HCl तो सीधी रिएक्शन करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब HONO ऐसा था, ठीक है, HONO, अब HCl थोड़ा थोड़ा डाला था हमने, और भी डाल रखा है, तो उसका H पॉजिटिव आयन एक और मिलेगा, वो क्या करता है, वाटर बनाएगा, देखो भी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH है, यहां से एक H और आया HCl से, इसने क्या किया, वाटर बनाया, वाटर ने अपना ये छीन लिया, तो यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड O मिलता है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर कंप्लीट है, यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. नाइट्रोसोनियम आयन बनता है HONO, असलियत में जो हम यूज करते हैं HONO नाइट्रस एसिड प्लस HCl, इसके अंदर जब होता है, ठीक है, HCl तो हमेशा रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, तो ये बनाता है HNO पॉजिटिव चार्ज, NO पॉजिटिव चार्ज अब सारी कहानी करता है, NO पॉजिटिव बनने के बाद NO पॉजिटिव, देखो जरा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड N, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर बाकी के सारे दिखा सकते हैं, RNH2, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होता है ना, है ना, तो वो क्या करेगा भाई, और इसके पास 2 H हैं, देखो निकल जाएगा अंदर की प्रोसेस बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां से सबसे पहले वाटर उड़ गया,
तो बचा क्या, आर एन डबल बॉन्ड एन और इस पे पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया बेटा ये क्या हुआ? मतलब जब हमारा प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करता है तो ये बना देता है। अब इसके बनने के बाद, अब ध्यान से इसको देख लेना, इसके बनने के बाद क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास लोन पेयर था, तो ये यहाँ लोन पेयर डोनेट करवा देता है, जिससे क्या होता है आर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड एन, और यही हमारा डायजोनियम साल्ट है, याद है डाइएजो साल्ट। ठीक है, कैसे भाई? देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड हो, एक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज वाला नाइट्रोजन जो वो कार्बन की चेन से रिंग बना रहा हो, और कार्बन की चेन से बॉन्ड बना रहा हो, यही होता है डाइएजो। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ओवरऑल, तो इसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम इसको बोलेंगे साल्ट। ये बनता है इसमें। अब बात आती है, ये तो फिर डाइएजो साल्ट तो बेंजीन के साथ ही बनता है। इस वाला जो डाइएजो होता है, जो कार्बन की चेन के साथ बनता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इस वजह से क्या होता है, बिकॉज इट इज वेरी मच रिएक्टिव, तो क्या होगा बताओ भाई? ये रिएक्शन करेगा अच्छे तरीके से, रिएक्टिव है तो किसी के संग भी कर लेगा, नाइट्रोजन फटाफट यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ये बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन का छीन लेगा और कार्बन के ऊपर यानी कि आर चेन पर पॉजिटिव चार्ज बना देगा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि HO, अब जरा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, कुल मिला के आप ये कह सकते हैं HONO जब HCl की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करता है इन सबसे, तो ये क्या करता है, ये आर पॉजिटिव बना देता है, ये सब कुछ उड़ा के ले जाता है। ये दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगी, N2 रिलीज कर देंगी, H2 और O ऑक्सीजन क्या करेंगे, ये वाटर रिलीज कर देंगे। समझ गए ना बेटा? तो ये कुछ इस तरह से होता है, तो ये सब बाहर निकल जाता है। अमाइन जब भी रिएक्शन करता है, ठीक है, अब ये ध्यान रख लेना, अमाइन जब भी रिएक्शन करता है HONO, ठीक है, और क्या करेगा ये, यहाँ से सॉरी ये दोनों उड़ जाएंगे और आर पॉजिटिव बनाएगा, बस खत्म। याद रहेगा इतना तो, याद रहेगा मैकेनिज्म गया भाड़ में, ठीक है ना, इतना याद रहेगा कि ये आर पॉजिटिव बनाता है क्या। और ये बीच वाला स्टेप ये जरूर याद रखना, क्योंकि ये वाला स्टेप आपको दिखाया जाएगा हर जगह पर, बाकी कोई स्टेप नहीं दिखाया जाता। NaNO2HCl ये क्या करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या मैकेनिज्म हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अगर मैकेनिज्म याद करते हो, इट्स बेटर टू लर्न, ठीक है, इससे आपकी पकड़ जल्दी बनती है, क्योंकि सारी चीजों को सीधा सीधा तरीके से याद नहीं किया जाता। मैकेनिज्म एक कहानी है, याद तो अभी हो गया सर, बहुत अभी बात है, लेकिन मैकेनिज्म एक कहानी है। कि मैं आपको एक नाम याद करवाना चाहता हूँ, ठीक है, गुलीवर था एक, गुलीवर, आपने गुलीवर की स्टोरी पढ़ी होगी, एक छोटा लिलीपुट के अंदर, वो छोटे लोगों के अंदर छोटा था, है ना, उसके ऊपर पिक्चर भी है। तो मैं उसके अगर पूरी कहानी बताऊं तो आपको ना फिर गुलीवर नाम याद हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सीधा बोल दूं एक गुलीवर था, बात खत्म, दोबारा बात ही ना करें, आप गुलीवर को भूल जाओगे, है ना। हमारे जब हम 10th में पढ़ते थे इंग्लिश में एक कहानी थी, पता है क्या, इनविजिबल मैन वाली कहानी थी, आपके भी थी क्या? यस सर, ही वाज एन इनविजिबल हो जाता है, ग्रिफिन, ग्रिफिन वाज एन एक्सेंट्रिक प्रिंस, एक्सेंट्रिक पर्सन, वो एक सन की आदमी मैंने पढ़ी थी यार, बहुत पुरानी है ये तो, 2002 में टेंथ पास कर ली थी, मतलब 2001 में मैं टेंथ, सर अभी तक सिर्फ CBSE ने इस साल वही SST के सिलेबस में हेरफेर किया है बस, और किसी में नहीं, NCERT ने, सॉरी 22 साल पहले मैंने इंग्लिश में ये बात पढ़ी थी, ग्रिफिन वाज एन एक्सेंट्रिक पर्सन, वो एक सन की साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने कोई दवाई वाई बनाई, वो पी ली उसने, फुट प्रिंट विदाउट फीट, अपने मालिक से लड़ पड़ा, हमेशा चश्मा डाल के, ग्लव्स डाल के, लपेट के और टोपी डाल के रखता था, है ना, ये सब पूरा घर जला दिया, लास्ट में भाग गया था, भाग गया था वो, एक शॉपिंग मॉल में भी घुस गया था, है ना, क्या बात है, इतनी पुरानी कहानी। चलो तो यहाँ पर आपको सिंपल बात बताता हूँ, तो देखो भी कहानी के थ्रू मुझे ग्रिफिन का नाम भी याद है, कहानी के थ्रू मुझे गुलीवर का नाम भी याद है, लेकिन अगर कहानी ना होती तो शायद मुझे नाम याद ना होता। सिंपली मैकेनिज्म एक कहानी होती है, इसकी वजह से आप प्रोडक्ट को अच्छे से याद कर पाते हैं, ठीक है, तो अगर आप करते हैं बहुत बढ़िया, नहीं करते तो इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि मैकेनिज्म की बजाय आपको सीधा याद हो जाए, प्रैक्टिस इतनी कर लो, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा दूसरी प्रैक्टिस है वो तो करनी पड़ती है, तो भाई दोनों चीजें करो ना करो आपकी चॉइस है, कैसे करना है वो मैंने बता दिया, तो ये स्टेप याद रखना है, और याद रखना है ये आर पॉजिटिव देता है, बस इतना याद रख लिया काफी हमारे लिए। तो आर पॉजिटिव जब देगा, देखो आर पॉजिटिव देगा, हमने अल्कोहल तो बनाया नहीं यार,
आर पॉजिटिव देगा तो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, आर पॉजिटिव ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करेगा, बन गया अल्कोहल मेजर। हाँ भाई क्लियर है, अल्कोहल बनाना डायजोनियम साल्ट। यहाँ से अब कंफर्म करना, डायजोनियम साल्ट जब भी पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनाते हैं, अगर वो बेंजीन हो तो फिनोल बनाएंगे, दैट्स इट। क्लियर है सबको? यस सर क्लियर। यस सर, है ना, बस इतना ही है। चलिए तो आगे देखते हैं डायजोनियम साल्ट बेंजीन वाले। तो देखो भी बेंजीन के लिए क्या करें, अमोनिया ही है, वही है, बस कार्बन की चेंज की जगह पीएच हो गया, सारी प्रोसेस सारा मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। ये थोड़े से ज्यादा स्टेबल है, पीछे वाले भाई साहब बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ठीक है, हाईली अनस्टेबल है। और याद रख लेना ये भी हाईली अनस्टेबल है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। यहाँ इन्होंने 10 डिग्री दिखा रखा है जो मुझे सही नहीं लगता, ठीक है, मैंने एनसीईआरटी में इसको पढ़ा है 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बेटा? सर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक। हाँ 0 से 5 होता है, यस यू आर राइट, मैक्सिमम 5 डिग्री है जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैक्सिमम 5 डिग्री सेल्सियस आप बना सकते हैं तभी ये स्टेबल होगा। 5 से ऊपर ये अनस्टेबल होते हैं, धुड़ुम धड़ाम धड़ाके करके फटफटा जाते हैं, नाइट्रोजन बाहर निकल जाती किसी न किसी और चीज से रिएक्शन करते हैं। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कुछ चीजें मुझे याद होती हैं, आपको लगता होगा पता नहीं सर ऐसे ही मार रहे होंगे शायद, है ना, लेकिन कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छे से याद होती हैं। जैसे मैंने एनसीईआरटी कैसे याद है, क्यों याद है बताता हूँ। एनसीईआरटी की बुक की जितनी थ्योरी है, जितनी भी थ्योरी है, वो सारी एक एक लाइन पढ़ रखी है, डिटेल में पढ़ रखी है, ऐसे नहीं कि बस रीड कर दी छोड़ दी फेंक दी। एक लाइन पढ़ी है, उसमें सोचा है, दिमाग लगाया, उसमें से 4 लाइनें निकल रही है तो उसको हेडिंग वाइज लिखा है उसके ऊपर कि ये है ऐसे ऐसे। मेरे पास बुक भी पड़ी है एनसीईआरटी की जो मैंने पढ़ी हुई है, समझ रहे हो मेरी बात? तो एनसीईआरटी की एक एक बुक पढ़ रखी, पढ़ा रखी है बच्चों को, इवन नॉट ओनली कि मैंने पढ़ी है, उनको समझाया एनसीईआरटी की बुक से। कुछ बच्चे आते थे पहले मेरे पास, है ना, तो बोलते थे हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, हमारे तो स्कूल में एनसीईआरटी चलती है। भाई ठीक है एनसीईआरटी बोलो, एनसीईआरटी आसान नहीं है पढ़ना, उसके एक एक वर्ड एक एक मीनिंग को समझना, एक एक लाइन के मीनिंग को समझना बहुत मुश्किल है। मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ रखी है, प्रदीप्स की बुक आती है 11th 12th की, प्रदीप्स की बुक भी 11th 12th, प्रदीप की बुक कंप्लीटली कंप्लीट पढ़ा रखी है मैंने, ठीक है, वर्ड टू वर्ड हर लाइन। फिर उसके बाद बीएससी के अंदर 2 ऑडिटर्स की बुक आती है बीएससी में, कौन कौन से है, आर चांद आता है, एक प्रदीप से, आर चांद और प्रदीप बीएससी को पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ पढ़ के बच्चों को सुना रखा है, बच्चों को समझा रखा है, हर एक वर्ड पढ़ रखा है आर चांद और प्रदीप्स की बुक का, 2 अलग अलग एडिटर्स की बुक। इतना मैंने सारी बुक्स में एक एक लाइन अंडरलाइन करके पढ़ रखी है। इवन मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब आता है, भाई देखो हर चीज पढ़ रखी है, कहीं ना कहीं याद आ जाती है, ठीक है, और डेफिनेटली आई कैन टेल यू एवरीथिंग, अगर सामने हो तो मैं सब कुछ वैसे ही बता दूंगा, हो सकता है कोई चीज वैसे याद रह जाए, कुछ चीजें मैं भूल भी चुका हूँ क्योंकि जब तक हम रिपीट नहीं करते हम भूल जाते हैं, समझ गया ना बेटा। तो पढ़ा सब कुछ हुआ है, समझ सारी चीजों की, मैं बता सकता हूँ कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, कौन से पेज पर मिलेगी, पेज नंबर याद नहीं होगा लेकिन मैं इतना बता दूंगा लेसन के मिडिल में लेसन के शुरू में यहाँ कहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, ऐसे करके। तो वो होता है प्राइमरी स्टेप होता है, फिर होता है उसको क्रैम करना, वो आप लोगों का काम है याद रखना, वरना आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये समझ में आ गया? यस सर। Yes, तो यहाँ पर भाई हम बात करते हैं डायजोनियम साल्ट की, तो बेंजीन का डायजोनियम साल्ट बनता है और मैंने इसको अच्छे से दिखा रखा है, बेंजीन है N2 यहाँ से भी आसानी से रिलीज हो जाता है, नाइट्रोजन अपना लोन पर इधर से छीनता है, बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी न किसी को जरूर इसके इलेक्ट्रॉन छीनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है और इसीलिए इसके डेरिवेटिव बनाना बहुत आसान होता है, इसलिए डायजोनियम साल्ट के डेरिवेटिव बनाने के लिए हम इसे काफी जगह पर यूज करते हैं। क्लियर है? तो अगर इसको भी आप हीट करके वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो सीधा हल्की सी हीट की जरूरत है, ज्यादा भी नहीं, सीधा फिनोल बनेगा, OH लग जाएगा, बस बात करते हैं, सेम पीछे वाली रिएक्शन। क्लियर है बेटा? ये पीछे वाली रिएक्शन ही है सारी, लेकिन बस बेंजीन डाल दिया, पहले उसने यहाँ R लिखा हुआ था, लो ये लो ये लो ये लो, बिल्कुल डिट्टो पीछे वाली बन गई, बस R डाल दो। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखो 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन क्या करता है, तो 1 डिग्री अमाइन फिनोल बनाता है। फिनोल को कैसे चेक कर सकते हो आप, भाई पीएच मीटर डाल के, पीएच पेपर डाल के, है ना, पीएच मीटर पीएच पेपर डाल के आप आसानी से फिनोल को चेक कर सकते हो। हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, 1 डिग्री सर, फिनोथिलीन भी तो डाल सकते हैं। हाँ ठीक है, माइल्ड ऑरेंज भी डाल सकते हैं। हाँ चॉइस है आपकी, मिथाइल ऑरेंज, बिल्कुल चॉइस है आपकी, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज भी बेस होता है ना, वो कलर चेंज कर लेगा एसिड से रिएक्शन करके, तो ये चॉइस है आपकी। तो इसमें क्या है, आपको आसानी से पता लग जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा तो हम फिनोल का पता लगा सकते हैं, तो इसलिए 1 डिग्री है तो फिनोल बनेगा, पता लगा सकते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही है भाई किसी को, क्या अनंत को मेरी? अनंत बेटा प्लीज चेक योर कनेक्शन, ठीक है। तो आगे देखिए अब जरा, 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन के अंदर
सैयद लिख रहा है सर योर हार्ड वर्क। देखो बेटा हार्ड वर्क आप लोग करेंगे, आप लोग कामयाब होंगे तो वो मेरा हार्ड वर्क गिना जाएगा, मैंने जो किया मेरी लाइफ के लिए, है ना। अभी मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी लाइफ के लिए हार्ड वर्क करें, है ना, और मुझे आप लोग कामयाब चाहिए। जिस दिन कामयाब हो जाए ना उस दिन मुझे फोन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आज मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं, है ना। वरना अभी जब हम हैं तो आप लोग बात कर रहे हैं, जब हम नहीं होंगे एक दूसरे के सामने तो कभी कोई बच्चे जनरली मैंने देखा बात भी नहीं करते, है ना। लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो बाद में याद करते हैं, दे आर द गोल्ड। पर हमें पता भी नहीं लगता कि कौन बच्चा, शायद जो सबसे ज्यादा बोलने वाले बच्चे हैं वो शायद हमें याद ना करें, जो ना बोलने वाले हैं वो शायद हमें बहुत याद करें, है ना। तो बेटर पता नहीं भाई, दुनिया का पता नहीं लगता बेटा कौन कैसा है, हम शक्ल से नहीं बता सकते, किसी के बोलने से नहीं बता सकते, सब ऊपर वाला जाने। मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है कि ना बहुत कम दिमाग है हम में, बहुत कम अकल है, ठीक है, हम मूर्ख हैं सच में। जब दुनिया को देखते ना, अरे यार मैं तो इसके बारे में ये सोच रहा था, इसने ये कर दिया, सच में। सर माइक ऑन करके बोलो। ओ अनंत को भाई मुझे लग रहा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है ना, लेफ्ट करके कह दो ज्वाइन कर लो। चलो मैं उसको लिख दूं। यस सर प्लीज रीस्टार्ट योर मीटिंग, ठीक है, उसको लिख दिया मैंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट, अब इसमें 2 डिग्री अमाइन को कैसे चेक करते हैं भाई, HNO वही डायजोनियम साल्ट बनेगा इसमें, डेफिनेट सी बात है, लेकिन 2 डिग्री अमाइन है तो डायजोनियम, सॉरी 2 डिग्री अमाइन है तो डायजोनियम साल्ट नहीं बनेगा, R लगा हुआ है, उसको 2H चाहिए, वाटर उड़ाना था ना हमने, ठीक है, 2H होंगे तो वाटर उड़ेगा HNO के साथ और फिर हमारे पास ये डायजोनियम साल्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पर 2H नहीं है तो क्या होगा, NO जुड़ता है, अकेला NO, याद है NO पॉजिटिव था, है ना, वो जुड़ गया, लो भाई साहब जुड़ गया, है ना, तो ये जुड़ गया, इसको बोलते हैं नाइट्रो सो नाइट्रोसो एनिलिन, ठीक है, नाइट्रोसो एनिलिन दैट इज, तो नाइट्रोसो एनिलिन बनता है जिसका येलो कलर होता है, तो अगर 2 डिग्री अमाइन है तो येलो कलर ही, तो आंखों से दिख जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। और 3 डिग्री अमाइन क्या करता है, 3 डिग्री अमाइन जो है, अब देखो जरा ये HNO के साथ रिएक्शन करता है तो इसके पास सिर्फ यहां लोन पेयर सेम टू सेम रहा, NO नीचे जुड़ेगा, पैरा पोजिशन पर NO जुड़ेगा, क्लियर है, पैरा नाइट्रोसो NN डाई एल्काइल एनिलिन, क्या नाम है, एनिलिन, ठीक है, तो ये बनता है भाई। अब इसका कैसे पता करें कि ये NN डाई एल्काइल एनिलिन जो है वो बना कि नहीं, देखो अगर रिएक्शन होगा फिनोल बना तो पीएच मीटर से पता लग जाए, पीएच पेपर से, अगर NN डाई एल्काइल एनिलिन बना तो पीएच पेपर कलर नहीं दिखाएगा, है ना, इसका मतलब ये 3 डिग्री था, और अगर ऑलरेडी कलर बन जाए सीधा येलो कलर आ जाए तो इसका मतलब वो 2 डिग्री है। समझ गए कैसे होता है टेस्ट? Yes, sir. तीनों का टेस्ट हम डायजोनियम साल्ट से कर सकते हैं, डायजोनियम साल्ट नहीं सॉरी NaNO और HCl से कर सकते हैं, क्योंकि डायजोनियम साल्ट तो एक में ही बनता है, बाकी दोनों में तो बनता ही नहीं है, है ना, तो ये कुछ ऐसा है। चलिए बस इतना ही था भाई आज के लेक्चर में, ठीक है, तो देखो भाई हम ये लेक्चर, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास गाइस, हम ये लेक्चर 2 बार कर चुके हैं, ठीक है, कुछ बच्चों ने जिन्होंने पहली बार किया है अच्छे से मेहनत कीजिए, जिनका दूसरी बार हो रहा है बेटा अब आपको ये फिंगर टिप्स पे रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है, हो जाएंगी, हो गई, और इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाना, हां एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाना सर, तो मैं तीसरी बार लेक्चर हो गया रिवाइज, स्कूल में भी यही पढ़ा आज, बहुत बढ़िया, यही चीज चाहिए, तो 3 बार रिवाइज हो गया तो ये तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए ना, अब हमारे